खबर आ रही है विक्रोली पार्क साइड के हनुमान नगर से, जहां बड़े पैमाने पर विकास का कार्य चल रहा है। वहां के ज्यादातर लोगों ने विकासक को अपना घर हैंडओवर भी कर दिया है, ताकि उच्च स्तरीय जीवन की सुविधाएं जल्द से जल्द उन्हें मिल सके। लेकिन कुछ लोगों ने इसमें दखलअंदाजी करते हुए माढ़ा और एसआरए को पत्र लिखा था। इससे पहले हम अपनी खबर में दिखा चुके हैं कि माढ़ा ने किस तरह इनको 21 अक्टूबर 2016 के पत्र में यहाँ इस जगह की डेवलपमेंट करने से साफ इनकार कर दिया है, और माढ़ा के बाद अब एसआरए ने भी 33-10 के नियम से ही कार्य होगा ऐसा फैसला सुनाया है। निश्चित तौर पर यह यहाँ के लोगों के लिए जीत का मौका है। एसआरए ने अपने पत्र में स्पष्ट किया है कि चूंकि विकासक ने ट्रांजिस्ट कैंप की बिल्डिंगें बनाई हैं और रिहैब की बिल्डिंग का भी काम पूरा हो चुका है, यहाँ पर 5 रिहैब बिल्डिंग का प्लान अप्रूव हो चुका है, जिसमें से 2 रिहैब बिल्डिंग ऑलरेडी बन चुकी है और ट्रांजिस्ट कैंप में 1000 परिवार के लिए रेडी है। ऐसी स्थिति में विकास के कार्य को रोका नहीं जा सकता। एक के बाद एक इन फैसलों से जहां विकास के विरोधियों में निराशा का माहौल है, वहीं स्थानीय जनता को अब गुमराह नहीं कर सकेंगे ऐसा लगता है। न्यूज़ फर्स्ट टीम, मुंबई। We'll be right back.